अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ सवान बटाविया। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनका एक या दो पेपर बाकी है और उनकी क्वालिफिकेशन रहती है। मैं आज देख रहा था फेसबुक पे भी दो किस्म की न्यूज़ चल रही है, जैसे दो लोग अलग अलग हो गए हैं कि कोई किसी का कहना ये है कि बस पेपर होंगे ही होंगे और उसको ये भी इल्म है, और किसी का कहना ये है कि उसके पास भी कोई इल्म है कि शायद ना हो सकता है उनके पास रेलिवेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन हो, लेकिन आई एम अज्यूमिंग के पेपर होंगे। तो इतनी कन्फ्यूजन है लोगों के अंदर, और जिनका एक दो पेपर बाकी है उसकी समझो पूरी ज़िंदगी की मेहनत बस एंडिंग फेज पर है। तो भाई पेपर निकालो, कुछ भी करके मेहनत करो, पेपर निकालो। जिसका एक दो पेपर बाकी हैं, एक दो पेपर का मतलब ऐसा ही है कि जिसके 49 मार्क्स आते हैं उसका मतलब वो फेल है, 50 आते हैं तो समझो 100 हैं। तो अगर आपका एक भी पेपर बाकी है तो आप यकीन करें आप क्वालिफाइड नहीं हैं। मतलब तो जिसको क्वालिफिकेशन चाहिए, आई पर्सनली नो बहुत सारे लड़कों को जिनके 3-3 साल हो गए और एक पेपर बाकी है, और उनसे कहा जाए यार पेपर निकालो, स्ट्रेटजी चेंज करो, तो वगैरह नसीब में होगा तो हो जाएगा, अल्लाह की मर्ज़ी है। नहीं भाई नहीं, आप यकीन करें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ क्वालिफाई करें, मगर क्वालिफिकेशन के बाद की जो लाइफ है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ सीए की लाइफ डिफरेंट है, आप इंजीनियर बने, बहुत अच्छे इंजीनियर बने, आप बहुत अच्छे आईटी स्पेशलिस्ट बने, आप बहुत अच्छे डॉक्टर बने। तो अगर आपने ये वाली क्वालिफिकेशन को परसू किया है या इसको पसंद किया है तो आपका एंड यही है कि आपने लाजमी क्वालिफाई करना है। बिल्कुल किसी भी रूमर्स का शिकार ना हुई है जब तक ऑफिशियल न्यूज़ ना आ जाए, और वेट भी ना करें कि ऑफिशियल न्यूज़ आएगी तो पढ़ेंगे, बस अब तो एक ही पेपर है मेरे भाई। एक पेपर अगर रुक गया बहुत नुकसान पहुंचाएगा, खुदारा इसको निकालो, एफर्ट करो। इसमें किसी की कोई हेल्प चाहिए हो किसी पर्टिकुलर पेपर में, अगर वो स्ट्रगल कर रहा हो तो मुझसे भी कॉन्टेक्ट कर सकता है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उसको गाइड कर सकूँ और उसके अगर काम आ जाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो प्लीज़ सीरियस हो जाओ, एक दो पेपर का मतलब है आपकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं हुई, ट्रस्ट मी। और क्वालिफिकेशन की बात की लाइफ बिल्कुल ही अलग है, इसके अपने मज़े हैं, इसकी अपनी लग्जरीज हैं, इसके अपने बेनिफिट्स हैं। और अपने आप को क्वालिफिकेशन के बाद भी आज ये जहन में रख लो कि अपने आप को किसी की मशीन का वो हिस्सा ना बनाना कि बस आप दूध देते रहो और वो इन्जॉय करें। अपने आप को कुछ डिफरेंट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सोचो, समथिंग डिफरेंट। लेकिन राइट नाउ ये सब बातें बात की हैं, राइट नाउ पेपर निकालो, पेपर निकालो, पेपर निकालो, दिस इज़ दी एंड। अगर इस बार पेपर क्वालिफाई कर गए, यकीन करो बहुत मज़े करोगे। सो प्लीज़ इस बात को सीरियस लो, होपफुली आपको मेरी ये बात फ़ायदा पहुँचाएगी। किसी को हेल्प चाहिए आई एम अवेलेबल। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।